नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग TGT कला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसके पहले 40 प्रश्नों की वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ शुरू है, पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो चार विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा राय बहादुर दयाराम साहिनी ने। तो राय बहादुर दयाराम साहिनी ने 1921 में इसकी खोज की थी और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सिंधु सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका जो सही विकल्प अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अधिकतर हड़प्पा संस्कृत के अवशेष मिले हुए हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। तो वैसे अगर देखा जाए तो चारों विकल्प आपके गलत हैं। इसका सही विकल्प जो होना चाहिए रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो है 2500 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीले किस माध्यम से बनाई गई हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही विकल्प होगा मोहनजोदड़ो। सैंधो का जो प्रसिद्ध स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा गुफाओं में। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेलारी। दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ केरल, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिल्ला सरगम गुफा जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प नहीं है सही, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है बिरला सरगम गुफा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बस्तियों में रहता था। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 देखते हैं, इनमें से कौन सा असंबद्ध है। इसका मतलब कौन सा ऐसा विकल्प है जो संबंध आपस में नहीं रखता है। तो फैंटोकैवियन क्षेत्र ये आपका सही है। दूसरा है कटाल ह्यूक डार्डर उत्पक्या। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी काटल ह्यूक। तीनों से असंबद्ध है क्योंकि उत्तर पाषाणकालीन गुफा चित्रों से संबंधित तीनों स्थल हैं।
ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो हैं उत्तर पाषाणकालीन गुफा से संबंधित है, जबकि काटल हुयुक एक नौ पाषाणकालीन बड़ा सा नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 21 चित्र अंकित हैं। तो सिगरिया जो है श्रीलंका में है और यह सिंह गुफा के नाम से इसका नाम सिगरिया पड़ा और यहाँ पर कुल 21 नारी आकृतियों के चित्र मिले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सिगरिया कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। वही प्रश्न है, सिगरिया की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो श्रीलंका में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लगभग 7000 वर्ष पुराना है भारतीय चित्रकला का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा गुजरात और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र होगा। तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं, तालिका एक को तालिका दो से मिलाना है। तो यहाँ पर पहला ए बी सी डी दिया गया है, तो एक कोहबर, कोहबर को हम लोग मिलाएंगे, कोहबर आपका पड़ेगा मिर्ज़ापुर में, इसको मैं मिर्ज़ापुर से मिला दे रहा हूँ। इसके बाद काबड़ा पहाड़, तो काबड़ा पहाड़ है आपका रायगढ़ में, बी को मिलाते हैं दूसरे से। सी, सी में कह रहा आदमगढ़, आदमगढ़ आपका होशंगाबाद में स्थित है, सी को मिलाते हैं यहाँ, तो चक्रधरपुर कहाँ मिल जाएगा? झारखंड में। तो इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प देख लेते हैं, विकल्प नंबर डी। तो ये आपके 20 प्रश्न पूरे हुए। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।